नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दो हफ्ते के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ और इतना लेट के लिए मैं आप सभी से माफी मांग रहा हूँ। और इतना लेट हुआ क्योंकि दोस्तों मेरा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट कमिंग सून, हाँ दोस्तों, तो दो प्रोजेक्ट आने वाला है हमारे इनोवेटिव चैनल की तरफ से और इसके लिए मैं थोड़ा काम कर रहा था, इसके लिए मैं इतना लेट हो गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और बच्चे हो आप एडल्ट सबको अच्छे लगे ये प्रोजेक्ट। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ नोटिफिकेशन सब कुछ पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स प्लीज 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 शेयर कीजिएगा। और ऐसे नहीं कि मैं इसी हफ्ते में आपको ये एक ही प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट आने वाला है मैं आपको बोला, तो एक प्रोजेक्ट इसी हफ्ते में मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट और सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का जो मेरा आज का वीडियो है वो है फ्रेंड्स थोड़ा मैथ्स के रिलेटेड, एक चैप्टर मैथ्स का रिलेटेड मैं सोचा वो वीडियो बना देता हूँ और आपको खुशखबरी भी देता हूँ कि क्या क्या आने वाला है नया प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स आज का जो मैथ्स का चैप्टर है वो चालू करते, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा नया चैप्टर है मैथ्स का वो है परसेंटेज रिलेटेड एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज कैसे निकलेंगे, मतलब कैसे आपको जल्दी से जल्दी फ्रैक्शन आपको मल्टीप्लाई बिना करके विदाउट डूइंग सम मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, हाउ टू फाइंड आउट द फ्रैक्शंस ऑफ एनी नंबर। तो फ्रेंड आपको मैं पहले फ्रैक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं परसेंटेज कैसे निकालेंगे इजी मेथड वो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास है 3/4 प्लस सपोज 5/8 सपोज 3, ठीक है, प्लस 5/3, हाउ टू सॉल्व दिस। तो फ्रेंड्स आप क्या करना है, आप यहां पे देखिए 3/4, रुकिए, हाँ यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये 2 एंड दिस 2 आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 × 3 करना है, देन एंड क्या करना है 5 × 4 करना है। तो 3 × 3 का कितना आता है फ्रेंड्स 9, 5 × 4 20 एंड इस इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 × 3 = 12, देन आपको यहाँ पे प्लस है करेक्ट 9 एंड यहाँ पे क्या है सिंपल प्लस है 20, हाउ मच 29/12, दैट इज माई आंसर। कितना इजिली सॉल्व कर दिया, पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, दैट इज 3 × 3 उसके बाद 5 × 4 then you have to add this and 4 × 3 denominator जो है वो करना है सीजी। और एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, सपोज 7/9 प्लस 5/ सपोज 7 सपोज, तो क्या करना है मैंने बोला पहले 7 × 7 ये करना है करेक्ट, 7 × 7 कितना 49, उसके बाद क्या क्या 5 × 9 कितना 45, तो 49 + 45 उसके बाद 7 × 9 कितना 63 करेक्ट, 49 + 45 कितना होता है 99/63 करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे ही करना है आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना। अभी सपोज आपको दोस्तों यहाँ पे सपोज आपको माइनस दिया गया है, सपोज सेम मैं सेम क्वेश्चन का माइनस करता हूं, सपोज 3/4 क्वेश्चन है 3/4 माइनस 5/3 इंस्टेड ऑफ प्लस I'm giving here subtraction, that is minus. So 4 × 3 how much 12 and 3 × 3 9 उसके बाद 4 × 5 29 − 20 20 − 9 how much friends 20 − 9 11/12 that is the answer. So and friends यहाँ पे जो minus है वो आप ignore दीजिए, ठीक है। तो देखिए 4 9 − 20 देखिए −11/12 आ गया ना मेरा आंसर करेक्ट। अभी आपको और एक प्रॉब्लम में करके दिखाता हूं, सपोज 7/8 माइनस 5/2 ओके, तो कितना आता है 7 × 2 = 14 5 × 8 = 40 करेक्ट, 8 × 2 = 16 राइट। तो 14 − 40 कितना आता है फ्रेंड्स 14 − 40 26 − 26 तो 26 × 16 ठीक है। माइनस अभी आपको अगर इसको और थोड़ा छोटा करना है तो आप इजीली कर सकते हैं 13/8 माइनस 13/8
मैं यहां पे टू से किया, ठीक है, आप समझ ही चुके होंगे इसको। सिंपल वे आपको एप्टीट्यूड ओलंपियाड जो भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आप बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद फॉर्मूला है। अगर आप देखिए प्रैक्टिस करके करते 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 आप ये स्टेप से डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हैं डायरेक्टली, यू नो नीड टू राइट दिस टू स्टेप्स, ओके फ्रेंड्स। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप डायरेक्ट लिख पाएंगे एक ही स्टेप में, ठीक है। नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है, प्लस माइनस करना है, तो ये आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज का मैंने बोला था, तो परसेंटेज का मैं दिखाता हूं। परसेंटेज का यहाँ पे देखिए हाउ टू फाइंड परसेंटेज। परसेंटेज आप जानते हैं कि परसेंटेज के नाम सुन के बच्चे लोग मतलब और तकलीफ में आ जाता है कि कैसे करेंगे। तो परसेंटेज नो नीड टू वरी फ्रेंड्स, परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इजी है। आप देखिए सपोज यहाँ पे आया है कि 30% ऑफ 100, करेक्ट, 30% ऑफ, यू हैव टू सॉल्व दिस 30% ऑफ 100। सो फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 10, डिवाइड आप नोट कर लीजिए, डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 10, ठीक है। पहले कितना था 10, 30 बाय 10 कितना 3, उसके बाद 100 बाय 10 कितना 10, 30, दैट इज आंसर इज 30, ठीक है, दिस इज आंसर इज 30, दिस इज माय आंसर। एंड सपोज सेम डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 10, सपोज आपको मैं लिखता हूं 52 और परसेंटेज ऑफ 200, ठीक है। हाउ यू फाइंड, फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट डिवाइड बाय 10, तो 5.2 इंटू 20, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है 5.2 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आता है 5.2, देखिए 104, करेक्ट। यू कैन इवन मैंने आपको दिखाया था पॉइंट डेसिमल इनटू जो नेचुरल नंबर है उसको कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैंने दिखाया था पहले, ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सपोज और एक सिंपल नॉर्मल एक इजी मैथमेटिक्स इजी प्रॉब्लम में आपको करके दिखाता हूं, 20% ऑफ 200, तो क्या करना है, फर्स्ट डिवाइड दो बोथ नंबर्स बाय 10, 2, करेक्ट, 20 बाय 10 2 इनटू 200 का यूनिट 2040, दैट्स माय आंसर, इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। ये मेथड दोस्तों टाइम सॉल्विंग मतलब टाइम का जो इश्यू है कि टाइम कैसे बचाएंगे, टाइम सेविंग मेथड है आपको, और ये पूरा एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाएगा। आपको नो नीड टू डू 20/100 × 200, नो नीड टू डू लाइक दैट, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इजीली आपको कर पाएंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो फ्रेंड्स इतना ही रहा, और मैंने पहले आपको वीडियो शुरू होने से पहले आपको बोला था कि क्या क्या हम लोग लेके आएंगे, क्या क्या आपको नया नया प्रोजेक्ट, वो भी मैंने आपको बोला था कि मेरा जो मोटो ऑफ 2020 में उसमें मैंने थोड़ा जिक्र किया था इसके लिए कि हिस्टोरिकल टॉपिक्स के बारे में लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं बच्चों के स्कूल के बच्चों के साथ जो आपका उम्र का है वो स्कूल के बच्चों के साथ मैं थोड़ा उन लोगों से पूछूंगा बहुत सवाल, उन लोगों का राय मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तभी मैं उन लोगों का अगर राय जानना चाहता तभी मैं महसूस कर पाऊँ क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे भी थोड़ा रिटर्न में थोड़ा सपोर्ट मुझे भी चाहिए फ्रेंड्स। तो प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो इसी बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोग को जरूर पूछिए, हम लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, अच्छे से रहिएगा, जय हिंद, थैंक यू।